तो अभी मैं जा रही हूँ सरोजनी मार्केट। मैं यहाँ से सकरपुरा ऐसे कुछ है मेट्रो स्टेशन वहाँ जाऊँगी, उसके बाद में पूरा मार्केट तक 500 मीटर दूर है, तो वहाँ तक जाएगा मेट्रो। तो मेट्रो का मुझे अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए मैं ये बांध रही हूँ और चश्मा भी लगाऊँगी, बहुत ज़्यादा धूप है। तो चलिए चलते हैं। मैंने पहले तो यहाँ से रिपीटो किए हैं क्योंकि दिल्ली में घूमी हुई नहीं हूँ ना, पता नहीं है कहाँ क्या है, फर्स्ट बार आई हूँ। दिल्ली में जयपुर के जैसे कोई एक मेट्रो नहीं है कि चलो एक ही रूट है, इस रूट से निकल गए। पता नहीं कैसे जाल बिछा हुआ है, ये पिंक वाली है, ये येलो वाली है, ये ब्लू वाली है, हे राम, बहुत ही। और ये सेफ्टी के पर्पज़ से बनाया हुआ है, देखो पहले से ये कांच की ये दीवार सी बनी हुई है, फिर जब ट्रेन रुकती है तो पहले ये खुलती है फिर अंदर वाली, मतलब थोड़ा सा एक सेकंड का रहता है, तो दोनों साथ साथ वैसे खुलती हैं। और दिल्ली की भाई मेट्रो, मुझे तो सुबह सुबह तो फिर भी जगह मिल गई बैठने के लिए, दोपहर में दो तीन बार मतलब जैसे बैठने का मौका पड़ा। पहले संदीप महेश्वरी से आई थी मैं, तो फिर सरोजनी मार्केट गई, सरोजनी मार्केट से दिल्ली के एंड तो बिल्कुल जगह नहीं मिली मुझे। अभी मैं आ गई हूँ सरोजनी नगर, मेट्रो पे हूँ और सब जा रहे हैं सरोजनी मार्केट ही जा रहे हैं। काफ़ी लोग उतरे हैं और काफ़ी मेरे जैसे पहली बार भी आए हैं, तो मैं भी जा रही हूँ। चलिए चलते हैं और आपको भी ले जाती हूँ सरोजनी मार्केट। वीडियोस तो खूब देखी हैं, ऐसा है वैसा है, अभी देखते हैं कैसा है। और दिल्ली की धूप तो वाजिबा, बहुत धूप है। तो ये तो लगा ली, ये भी बांधेंगे, ठीक है। फोन छीनने का बड़ा डर है। सरोजनी नगर से मेट्रो के मैं दूसरे गेट पे निकली थी, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ा, बिल्कुल सीधा सीधा है। लेकिन एक गेट है वो बिल्कुल मार्केट का जो गेट बना है उसके आगे खुलता है। यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है सरोजनी मार्केट, ये देखो गेट। तो मेरे को, मैंने कल शाम को रूम से रोटी खा के निकली थी, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही है और आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट होती है, इसलिए मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। खाना आगे देखूँगी कुछ मिलेगा तो। यहाँ से अभी सरोजनी मार्केट स्टार्ट होगा, देखो सरोजनी मार्केट का गेट भी लगा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं, मुझे तो पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वीडियो शूट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि डर लगा रहता है कि कौन हाथ से फ़ोन छीन के भाग जाए, इसलिए खुद के साइड में कैमरा करके फ़ोन दूर करके तो मैंने वीडियो शूट किया ही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा फ़ोन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। एंट्री करते ही शॉप स्टार्ट हो गई, और सबसे पहले ज्वेलरी की शॉप थी, लेकिन ज्वेलरी मुझे नहीं पसंद आई। और पास में खाने की स्टॉल थी, फिर स्टार्ट होती है टॉप जीन्स ये सब, तो काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप थे। लेकिन वही है कि सरोजनी मार्केट एक वैसे है कि रेट कम रहती है, रेट कम के साथ क्वालिटी भी कम रहती है, ये हकीकत है, मैंने देखा वहाँ जाके। कुछ चीज़ें अगर क्वालिटी की मिलती है तो उसका प्राइस भी भारी रहता है, और कुछ बहुत रेयर मतलब ऐसे होते हैं जिनके पैसे भी कम और क्वालिटी भी अच्छी, वो हमें ढूंढना पड़ता है। सरोजनी मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइनें थी कपड़ों की, टॉप स्कर्ट जींस टॉप और वन पीस तो बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन के मुझे लगे। काफ़ी सारे ऐसे थे जो मेरा मन हुआ कि मैं ले लूं, लेकिन होता क्या है ना कि वेस्टर्न कपड़े हैं और वेस्टर्न कपड़े मैं कम पहनती हूँ, जैसे वहाँ पे वन पीस ज़्यादा थे, टॉप थे तो वो नेट वाले टॉप ज़्यादा थे या शॉर्ट टॉप ज़्यादा थे, उस हिसाब से वो अच्छे लग रहे थे, कोई पहने तो अच्छे लगे, लेकिन मैं वो पहनती नहीं हूँ तो मैं ले ही नहीं पाई। फिर मुझे मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, उसमें वीडियो बनाते बनाते
मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो यहाँ पे एंट्री करते ही एक पाव भाजी और शॉप है, वहाँ पे मैंने जूस पिया और एक प्लेट पाव भाजी खाई। नींबू कहाँ है? नींबू वैसे घूम घूम के मैं हूँ पर ये सरोजनी मार्केट के साइड जो गेट खुलता है वो, ये बिल्कुल सामने ही है गेट, और इतनी ज़्यादा भीड़ है मेट्रो पे भी। आप देखो कैसे लाइन बनी हुई है, बहुत बुरी तरह से लाइन लगी हुई है। सब सरोजनी मार्केट आए हैं सब, और बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, ये सब भरी हुई है। और मैं आई थी सुबह से, मतलब पहले मैंने संदीप महेश्वरी का सेशन लिया और फिर मैं सरोजनी मार्केट गई, तो मैं बीच में ऐसे नहीं है कि मैं दूसरे दिन गई, और मैं सेम डे गई थी और सेम डे मैं वापस ट्रेन में बैठ गई। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। अभी मैं पहुंची हूँ सरोजनी नगर मार्केट से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन जा रही हूँ, और दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन पे हूँ। मेट्रो से रेलवे स्टेशन 4.5 किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर है पैदल, तो पैदल नहीं 5.5 किलोमीटर के लगभग है ऑटो या बाइक से। मैं रेपिडो कर रही हूँ, रेपिडो आ रही है तो मैं वैसे जाने वाली हूँ, और मेरी पैरों की शान निकल गई, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। रैपिडो वाले ने लेट कर दी 2-3 बार, किसी ने कैंसिल किया, किसी ने कुछ किया, तो मुझे लेट हो गया। और फिर एक बेचारा आया, उसने इतनी तेज़ बाइक भगा भगा के मुझे रेलवे स्टेशन के ऊपर पुल है तो उस पुल के ऊपर उतारा कि यहाँ से भागते हुए। तो मैंने इतने भाग भाग के ट्रेन पकड़ी थी, बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी भागते भागते। पहले ऐसी डब्बे में घुस गई कि कहीं भी घुस जाओ, फिर ऐसी डिब्बे से ऐसे हुआ कि 2 मिनट बाकी है, तो फिर और भागी भागी, सांस निकली नहीं, बची बहुत हालत ख़राब हुई थी। मैं मेरा फ़ोन भी भूल गई थी, एक सीट पे बैठी वहाँ से फ़ोन भूल गई, आगे चलने लग गई, तो फिर भैया ने आवाज़ देके मुझे वो फ़ोन दिया, वरना आज मेरा ये वीडियो कभी नहीं डल पाता। अभी बज रहे हैं 8:30, और 8:30 बजे आश्रम एक्सप्रेस से मैं आ गई हूँ जयपुर, और अभी जा रही हूँ मैं मेट्रो से मेरे घर, मेरे रूम पे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।